हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. वेलकम टू इजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स. सो इन द लास्ट क्लास वी हैड डेल्ट विद द इंट्रोडक्शन टू द डीएनए रेप्लिकेशन. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन इन डिटेल, इट्स मशीनरी एंड इट्स एंजाइम्स. हाउ बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, how does it proceeds and how does it finally end up. So basically this is the thing and we're going to start with the DNA replication. DNA replication, first of all, DNA replication starts at a point that is known as the origin of replication or ORI. ORI is the point where the DNA replication starts. A unit of replication with one origin is known as the replicon. So replicon is the unit of replication with one unit, wherever the replication occurs. DNA replication starts at origin of replication or ORI. You have to remember this definition is very important. A unit of replication with one origin is called replicon. Suppose करो मेरे पास ये DNA का strand है and इसके ऊपर ORI है, तो ये क्या हो गया, मेरा replicon. ठीक है, एक replicon होने के लिए एक DNA strand के पास बस ORI होना जरूरी है. ORI is the unit of starting point of replication, origin of replication. Origin का मतलब जहां पे replication start हो रही है. During replication, the two strands unwind and separate by breaking H bonds in the presence of an enzyme. तो replication के procedure में basically students हो क्या रहा है, the two strands are unwinding. They have to unwind because DNA is present in helical structure and the two NA, जो two DNA है उनको separate, उनका separate out होना बहुत ही ज्यादा important है. And उनके बीच में जो basically hydrogen bonds है उनका टूटना भी बहुत ज्यादा important है. ठीक है, क्योंकि अगर hydrogen bonds टूटेंगे तभी जो डीएनए है उसके ऊपर कोई काम हो सकता है. अब डीएनए क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो डबल हेलिक्स में प्रेजेंट है, उसके अंदर बहुत सारे बॉन्ड्स हैं. अगर हमें उस पर कोई काम करना है, अगर हमने उसको कोई रिपेयरमेंट करनी है, किसी भी चीज की अगर कोई रिपेयर एंड रीजनरेशन वाला जो काम है हमें परफॉर्म करना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उसको ओपन अप करते हैं, उसको खोलते हैं. उसको खोलने के बाद जो हम काम कर सकते हैं, दैट इज अवर बेसिक फंक्शन. सो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द टू स्ट्रैंड्स अनवाइंड एंड सेपरेट बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम हेलिकेज. तो बेसिकली जो हेलिकेज एंजाइम है वो क्या करता है, वो अनवाइंडिंग कॉज करता है डीएनए की. डीएनए रेप्लिकेशन इज स्टार्टिंग एट द पॉइंट नोन एज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. It is starting at the DNA strand that is known as the replicon. And सबसे पहले preparation होती है DNA replication के होने की. तो helicase enzyme क्या करता है, जो DNA हमारा strand है that is present in the helix structure. Helix structure से उसको निकाल के क्या कर देता है, वो unwinding कर देता है. And this is known as helicase. So students, next thing is unwinding of the DNA molecule at a point form Y-shaped structure and this structure is called replication fork. जब देखो एक बंद DNA structure है उसको हम खोलते हैं तो वो क्या बनाता है, एक Y-shaped structure बनाता है. And this Y-shaped structure is known as basically ये होता क्या है, ये fork like structure बन जाता है. And this is known as the replication fork. क्योंकि ये वाई शेप स्ट्रक्चर है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर. हेलिकेज एंजाइम जब डीएनए के स्ट्रक्चर को खोलता है तो क्या बनाता है, रेप्लिकेशन फोर. सो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल द डेफिनेशंस. ओआरआई, ओआरआई किसको बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को. व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, रेप्लिकेशन यहाँ पे स्टार्ट होती है. व्हाट इज अ रेप्लिकॉन, रेप्लिकॉन इज द यूनिट ऑफ डीएनए जहां जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसीजर कैरी आउट किया जा सकता है.
नेक्स्ट थिंग इज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो अनवाइंड एंड सेपरेट होके क्या बनाते हैं, ब्रेकिंग ऑफ एच बॉन्ड्स क्या इन द प्रेजेंस ऑफ हेलिकेज एंजाइम्स. तो नेक्स्ट थिंग इज हेलिकेज एंजाइम. हेलिकेज इज अ एंजाइम जो क्या कर देता है, डीएनए जो हमारा डीएनए हेलिक्स है दैट इज प्रेजेंट इन द डबल हेलिकल फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, उसकी अनवाइंडिंग जो है वो डीएनए हेलिकेज कर देता है. सो अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पॉइंट फॉर्म्स अ वाई शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क. नेक्स्ट थिंग इज ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क है जो हमारा वो फॉर्म हो जाता है. नाउ टू द नेक्स्ट थिंग, द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स. जो स्ट्रैंड्स हमारे सेपरेट हुए हैं, ठीक है, ये दो स्ट्रैंड्स हैं, ये दो स्ट्रैंड्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए. आप देखो डायग्राम के अंदर रेड वाले, ये रेड वाले हैं दो स्ट्रैंड्स एंड दे आर बीइंग सेपरेटेड. तो ये क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट एक्ट कर रहे हैं न्यू स्ट्रैंड के लिए. स्टूडेंट्स टेम्पलेट क्या होता है, सपोज करो कि मैं आपको एक फाइल दे रही हूँ, मैं आपको एक फाइल ईमेल कर रही हूँ, उसके अंदर मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन भरो, इंफॉर्मेशन की सारी टेम्पलेट मैंने गिवन है. वैसे ये डीएनए है, डीएनए एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है. तो जो न्यू डीएनए होता है ना वो बिल्कुल ऐसे 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 ही फॉर्म होता है, ठीक है. सो दिस इज अ बेसिक थिंग कि जो सपोज करो मेरे पास एक फॉर्म है वो आपने भरना है, तो वो फॉर्म एक स्टूडेंट ने भर लिया, दूसरा स्टूडेंट कहेगा तुमने ये कैसे भरा है मुझे दिखाओ, दैट इज द टेम्पलेट, ठीक है. तो जो डीएनए हेलिकेज ने अनवाइंडिंग किया डीएनए को, वो दो डीएनए जो स्ट्रैंड्स निकले हमारे पास, द बोथ आर द टेम्पलेट्स फॉर द न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन, ठीक है. और डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो क्या, कहां कौन सी वाली साइड पे होती है, 5' to 3'. देखो ये 5' to 3'. स्टूडेंट्स दिस इज द थिंग कि 5' to 3' है जो आपकी वो डीएनए की फॉर्मेशन हो रही है. यहाँ पे भी यहाँ पे यहाँ से शुरू होगी उल्टी साइड से और 3' तक जाएगी डीएनए की जो फॉर्मेशन है. ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसकी डायरेक्शन क्या है. 5' to 3', यू हैव टू रिमेम्बर दैट, यू हैव टू रिमेम्बर दैट इन एवरी वे. अब देखो स्टूडेंट्स डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है दैट इज कैरिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी. तो उसमें क्या होने वाला है, बेसिकली जो डीएनए रेप्लिकेशन हैव टू कैरी अ लॉट ऑफ एनर्जी. अगर ये एनर्जी कैरी करेगा तभी ये क्या कर सकता है, तभी डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसीजर है वो बन सकता है. क्योंकि न्यू केमिकल्स आर बीइंग फॉर्म, केमिकल रिएक्शन कोई भी हो रही है, केमिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम्स भी है, एंजाइम्स की एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन का काम भी होता है, ये सारे काम जो है ये हो रहे हैं. तो इनको एक एनर्जी के लिए सबस्ट्रेट चाहिए, एनर्जी के लिए जो सोर्स है वो भी चाहिए, दैट इज डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी एंड डीटीटी. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, मतलब डीऑक्सी एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट. ये जो सारे केमिकल्स हैं दे आर एक्टिंग एज द सोर्स ऑफ डीएनए फॉर एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बेसिक डीएनए रेप्लिकेशन एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड द एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स दिस इज द रेप्लिकेशन फॉर, ये जो है हमारा दिस इज द रेप्लिकेशन फॉर, जो हमारे न्यू स्ट्रैंड्स बन रहे हैं दे आर फॉर्मिंग इन द 5' to 3' डायरेक्शन ऑन द बोथ साइड्स. लेकिन इन जो बोथ साइड्स के अंदर में कोई एक बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है, वो मेजर डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, लेट अस सी. तो नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्टली अ स्मॉल आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम प्राइमेज. अब हेलिकेज वगैरह वाला सारा काम हो गया, टेम्पलेट बन गए, टेम्पलेट के ऊपर प्राइम
एंजाइम है वो काम करेगा, और सॉरी प्राइमेज एंजाइम है वो काम करेगा, और वो क्या बनाएगा, आरएनए का प्राइमर, मतलब डीएनए से आरएनए का प्राइमर बन रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मेनी न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन विद वन अनदर टू प्राइमर स्ट्रैंड टू फॉर्म अ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन द न्यू स्ट्रैंड। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर प्राइमेज एंजाइम काम करके क्या बनाएगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा। आरएनए प्राइमर क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू बहुत सारे स्ट्रैंड्स को जोड़ने का काम करेगा, जिसकी हेल्प से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी, न्यू स्ट्रैंड जो है हमारा फॉर्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है आरएनए प्राइमर का क्या काम है एंड डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है। एंड नेक्स्ट इज कि आपको स्टेप्स कैसे याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले जो हेलिकेज एंजाइम है वो काम कर रहा है, उसके बाद जो प्राइमर है प्राइमेज एंजाइम है वो काम कर रहा है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज है वो काम कर रहा है। आपको सबकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, आपको सारे स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है इसमें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। तो जो हमारी न्यू स्ट्रैंड है बेसिकली द पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, वो हमारी फॉर्म हो चुकी है। अभी यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऊपर वाला जो टेम्पलेट है, ऊपर वाला टेम्पलेट ये, ठीक है, दैट इज थ्री टू जो फाइव टू थ्री प्राइम डायरेक्शन जा रहा है ऊपर वाली साइड पे, दीज आर द लीडिंग स्ट्रैंड्स, बिकॉज ये क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअसली फॉर्म करते हैं। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वन स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड एज कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच इन द फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन। जो एक स्ट्रैंड है बेसिकली स्टूडेंट्स, वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में फॉर्म हो रहा है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन के अंदर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो लीडिंग स्ट्रैंड की डेफिनेशन याद करनी है आपको, एंड इसके ऑपोजिट वाली साइड पे ये वाला देखो, मैंने आपको बोला कि जो न्यू डीएनए की फॉर्मेशन होती है दैट इज ऑलवेज फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम, पर ये आपको याद रखना है कि जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है दैट इज द लीडिंग स्ट्रैंड, एंड जो नीचे वाला स्ट्रैंड है दैट इज द लैगिंग स्ट्रैंड। क्योंकि उसको लैगिंग स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं, बिकॉज दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, उसकी जो सिंथेसिस है दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एंड फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर हो रही है। उन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ओकाजाकी जो नाम है वो कहाँ से आया है, वो साइंटिस्ट के नेम से आया है जिसका नाम था रेजी ओकाजाकी। सो ये डिफरेंस है बिटवीन द लीडिंग स्ट्रैंड एंड द लैगिंग स्ट्रैंड, एंड ये आपको याद रखना है द डिफरेंस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, कि लीडिंग स्ट्रैंड कैसे फॉर्म हो रही है और लैगिंग स्ट्रैंड कैसे फॉर्म हो रही है। अब देखो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स फॉर्म हुए हैं बेसिकली वो क्या हो जाते हैं, वो लाइगेज एंजाइम, लाइगेज क्या होती है, ग्लू, लाइगेट करना मतलब जोड़ना, लाइगेज मतलब ग्लू। तो जो फ्रेगमेंट्स बने हैं हमारे छोटे छोटे, वो फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम कौन करते हैं, डीएनए लाइगेज, क्योंकि ये डीएनए के ऊपर एक्ट करते हैं इसलिए डीएनए, एंड ये जोड़ने का काम करते हैं इसलिए इसको लाइगेज बोलते हैं। एंड जो न्यू स्ट्रैंड है उसका नाम अभी भी क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड ही है, पर ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स है ना वो जुड़ चुके हैं इसलिए वो फ्रेगमेंट फॉर्म में नहीं रहे। देखो अगर हमारे पास, हमने पेयरिंग को किया था दैट ए बाइंड्स टू टी and it is a double bond and G always binds to C with the help of a triple bond. तो अगर suppose करो कहीं पे G ने T के साथ bind कर लिया या G ने A के साथ bind कर लिया तो wrong bases क्या हो गए, वो attach हो गए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है, if a wrong base is introduced into the new strand, DNA polymerase can do proofreading.
डीएनए पॉलीमरेज क्या कर लेगा स्टूडेंट्स, डीएनए पॉलीमरेज कैन डू प्रूफ रीडिंग जहां पे मिस्टेक की है रेप्लिकेशन के अंदर, क्योंकि ये मिस्टेक अगर हो गई और ये मिस्टेक अगर हमारे नेक्स्ट सेल्स के अंदर पहुंच गई तो क्या होगी, ये मिस्टेक बहुत ज्यादा हार्मफुल पड़ सकती है। तो स्टूडेंट्स इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है, हमें चेकिंग करनी पड़ती है कि जो भी चीज फॉर्म हो रही है बेसिकली वो सही तरीके से फॉर्म हो। तो ये डीएनए पॉलीमरेज का काम है प्रूफ रीडिंग करने का, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ओके टू द नेक्स्ट थिंग, लेट अस रीड अबाउट दैट। ई कोलाय के अंदर ई कोलाय कंप्लीट्स इट्स रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स। ई कोलाय के अंदर 200 बेस पेयर्स होते हैं, सॉरी ई कोलाय के अंदर जितने भी बेस पेयर्स होते हैं वो एक सेकेंड के अंदर 2000 बेस पेयर्स को क्या कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है। और हम ह्यूमन बींग्स तो इससे भी फास्ट चलते हैं क्योंकि हमें तो बहुत ज्यादा 10^8 से भी ज्यादा जो है हमारे में बेस पेयर्स होते हैं। सो दिस इज द बेसिक थिंग, हमने शुरू में चैप्टर के शुरू में किया था ना एक वायरल डीएनए है उसमें कितने बेस पेयर्स हैं, ईकोलाई के अंदर कितने बेस पेयर्स हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने बेस पेयर्स हैं। ईकोलाई अपनी रेप्लिकेशन कर लेती है 18 मिनट्स के अंदर, तो उसके हिसाब से एक सेकेंड में वो 2000 बेस पेयर्स कर लेती है। तो स्टूडेंट्स अगर हमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स निकालने हो ईकोलाई में, हम कैसे निकाल सकते हैं, 18 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, 18 इंटू 60 इंटू 2000, ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे टोटल बेस पेयर्स प्रेजेंट इन द ई कोलाई। क्योंकि 18 मिनट में वो क्या कर रहा है अपना, 18 मिनट के अंदर वो अपना पूरा रेप्लिकेशन का प्रोसीजर कंप्लीट कर रहा है, एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, एक सेकेंड के अंदर वो 2000 बेस पेयर्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल साइकिल से भी रिलेटेड है कि रेप्लिकेशन जो है वो एस फेज के अंदर होती है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस, एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज, जो हमारे जब भी हमारा कोई सेल है वो डिविजन फेज के अंदर एंटर करता है, तो उसमें जब जो सबसे फर्स्ट वाला आता है इंटरफेज, इंटरफेज के अंदर एस फेज होता है, एस फेज के अंदर हमारी डीएनए की रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। डीएनए की रेप्लिकेशन इज एनर्जी टेकिंग प्रोसेस, एनर्जी गेनिंग प्रोसेस, तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा महंगा प्रोसेस भी माना जाता है। वी कैन राइट इट अप हियर, रेप्लिकेशन इज एनर्जी कॉस्टली प्रोसेस। तो अगर स्टूडेंट्स देखो हमारा जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर गया, डीएनए रेप्लिकेट करने का मतलब न्यूक्लियस जो है वो रेप्लिकेट कर गया है ना। तो अगर हमारा डीएनए रेप्लिकेट कर गया पूरा का पूरा और सेल है जो वो डिवाइड नहीं किया, तो जो सेल के अंदर रेप्लिकेशन हुई थी वो सेल क्या आ जाएगा, पॉलीप्लॉइड। सो दिस इज द बेसिक थिंग, वो सेल क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइड। So you have to remember this question aega, that in what conditions the cell becomes polyploid. So students, DNA replication ki machinery and enzymes ke andar humne basically in cheezon ko padha hai. First of all kya hai, nuclear chromosomes are acting, then the unzipping of DNA takes place, matlab helicase enzyme, and then complementary बेस पेयर्स जो है वहां पे पेयरिंग हो जाती है, देन साइमल्टेनियस रेप्लिकेशन होती रहती है, एंड देन जो हमारे टू न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, वन इज द लीडिंग स्ट्रैंड, अदर इज द लैगिंग स्ट्रैंड।
स्टूडेंट्स, अब हमने रेप्लिकेशन वाला पार्ट जो है सारा कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी हैव टू डील विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. तो बेसिकली अब के क्लास के अंदर तो हम बेसिक जो ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन है उसी को डील करने वाले हैं. दिस इज ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन के अंदर, बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर हम शुरू करते हैं विद ट्रांसक्रिप्शन. तो स्टूडेंट्स, होता क्या है ट्रांसक्रिप्शन? इट इज द प्रोसेस. रेप्लिकेशन क्या था? रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस था दैट वॉज द कॉपिंग ऑफ द डीएनए. कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मटीरियल वॉज रेप्लिकेशन. बट जो ट्रांसक्रिप्शन है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जेनेटिक मटीरियल. तो हमने सेंट्रल डोगमा के अंदर स्टूडेंट्स क्या पढ़ा था कि जो डीएनए है that is efficient for storage of information. Lekin jo RNA hai, that is capable of transformation of information, communication of information, transfer of information. So transcription ke process mein jo copying of genetic information hai from one strand of DNA to RNA takes place. तो डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था कि एडेनिन जो है वो यूरेसिल के साथ बेस पेयरिंग करेगा, क्योंकि आरएनए के अंदर थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है. सो दिस इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? द कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. होती क्यों है? इन ऑर्डर टू कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए. दिस इज द बेसिक थिंग. और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के अंदर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या हो रहा है? एडेनिन इज फॉर्मिंग पेयरिंग विद थायमिन. नाउ जो नेक्स्ट चीज है वो क्या हो रही है? The DNA dependent RNA polymerase. पहले क्या था? Replication के अंदर हमने DNA polymerase को किया था. DNA polymerase क्या कर रहा था? DNA की polymerization. RNA polymerase भी DNA dependent है. You have to remember this. RNA polymerase is not RNA dependent. It is also DNA dependent. The DNA dependent RNA polymerase catalyze polymerization only in the 5 prime to 3 prime direction. RNA polymerase भी कहाँ पे काम कर रहा है? 5 prime to 3 prime direction के अंदर. DNA polymerase भी कहाँ पे काम कर रहा था? 5 prime to 3 prime direction के अंदर only. तो थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम एक्ट्स एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एक्ट्स एज कोडिंग स्ट्रैंड. स्टूडेंट्स देखो, हमारी डीएनए की जो पॉलीमराइजेशन है वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम होगी, ठीक है? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन, थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम वाला डायरेक्शन वाला जो होगा डीएनए, दैट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड. और आरएनए की जो कोडिंग होगी दैट विल बी रिजेंबलिंग the strand of 5 prime to 3 prime direction, that is known as the coding strand. बस आपको ये नाम याद रखने हैं कि 5 prime to 3 prime वाले नाम को क्या बोला जाता है और 3 prime to 5 prime वाले को क्या बोला जाता है. You have to remember the names only. कि what is, आपको question क्या आएगा? Question आपको आएगा students कि what is the coding strand and what is the template strand. So students, this is the basic thing. So chalo students, next slide ke andar chalte hain and let us see what is written in here.
बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. दोनों स्ट्रैंड्स क्यों नहीं कॉपी हो रहे हैं? बिकॉज आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड. आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, दोनों स्ट्रैंड्स को कॉपी करने का मतलब ही नहीं. तो इसके क्या रीजन है? द कोड फॉर प्रोटीन्स इज डिफरेंट इन बोथ द स्ट्रैंड्स. द कोड फॉर प्रोटीन्स इज डिफरेंट इन बोथ द स्ट्रैंड्स. दिस कॉम्प्लिकेट्स द ट्रांसलेशन. स्टूडेंट्स देखो, जो बेसिकली ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो तीन कोडोन से लेके मिलता है. वो तीन कोडोन से एक तीन डीएनए या आरएनए के जो बेस पेयर्स हैं वो क्या करते हैं? कोडोन करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं. सो मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली होता कैसे है. देखो हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ए टी टी जी सी ए सी, ठीक है. इसके मैंने ट्रांसक्रिप्शन करनी है तो कैसे होगा? ए इज पेयरिंग विद यू, ए इज पेयरिंग विद यू, टी इज पेयरिंग विद ए, टी इज पेयरिंग विद ए ए अगेन, जी इज पेयरिंग विद सी, सी इज पेयरिंग विद जी, ए इज पेयरिंग विद यू एंड सी इज पेयरिंग विद जी, ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया? डीएनए से आरएनए बन रहा है. लेकिन आरएनए अगर हम दूसरे, ये हो गया हमारा 5' to 3' डायरेक्शन वाला. ये 5' डायरेक्शन है एंड यहां पे 3' डायरेक्शन है. जो आरएनए की कोडिंग है वो भी कौन सी डायरेक्शन में होती है? 5' to 3'. पर स्टूडेंट्स इसके जो 3' to 5' वाला स्ट्रैंड है ये बिल्कुल उल्टा ही कोड करेगा. तो क्या हो जाएगा? कोडिंग क्या हो जाएगी? बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में चली जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स क्या है? सेपरेट चीजों के लिए कोड कर रहे हैं. इसीलिए इसको बोला जाता है कि एक ही स्ट्रैंड को हम क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक ही स्ट्रैंड से मिलनी काफी है. तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पॉइंट रीड करो. इफ If two RNA molecules are produced simultaneously, this would be complementary to each other because it forms a double-stranded RNA and prevents translation. Double-stranded RNA हो जाएगा तो RNA का structure double-stranded हो ही नहीं सकता, तो translation में क्या हो जाएगी? हमें problem आ जाएगी, क्योंकि जो हमारा आरएनए है दैट इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड, सॉरी सिंगल स्ट्रैंडेड. आरएनए इज ऑलवेज सिंगल, डीएनए इज ऑलवेज डबल. सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जो 3' to 5' है वो क्या कर रहा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट कर रहा है. आरएनए क्या है? इस डायरेक्शन के अंदर बिल्ड हो रहा है. और कोडिंग स्ट्रैंड क्या है? दिस इज कॉपीड टू आरएनए. जो 5' to 3' डायरेक्शन वाला, दैट इज द कोडिंग स्ट्रैंड. आरएनए रेप्लिकेशन शुरू कहां पे हो रही है? 5' डायरेक्शन से शुरू हो रही है और 3' डायरेक्शन के अंदर जा रही है. तो इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो आरएनए का कोड आएगा ना वो बिल्कुल सेम एज दिस स्ट्रैंड, सेम एज दिस स्ट्रैंड. बस फर्क कितना होगा? टी की जगह यहाँ पे क्या होगा? यू प्रेजेंट होगा. एंड ये हमारा बन गया मैसेंजर आरएनए. ये देखो स्टूडेंट्स, ये बन गया हमारा मैसेंजर आरएनए. दैट इज बिल्कुल सिमिलर टू द कोडिंग स्ट्रैंड. कोडिंग स्ट्रैंड से बिल्कुल सिमिलर है. आप देखो सिर्फ क्या फर्क है, जहां पे यहाँ पे टी है वहां पे यहाँ पे यू है. एम आरएनए के अंदर, मैसेंजर आरएनए के अंदर जहां पे टी था डीएनए के अंदर, वहां पे क्या आ गया? यू आ गया. बाकी सारा कुछ क्या है? बिल्कुल सेम है. इसीलिए इसको टेम्पलेट एंड कोडिंग आरएनए बोला जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है रिस्पेक्टिवली. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू ट्रांसक्रिप्शन फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल. टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू.